अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आप लोगों के? मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, और इंशाल्लाह आप लोग भी अपने घरों में खुश होंगे, बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो ये सुबह नाश्ते का टाइम है और हम लोग नाश्ता करने लगे हैं, और दही मैंने घर पे ही बनाया है और बहुत अच्छा दही बन जाता है घर पे ही, और ये मिट्टी की हांडी में तो बहुत अच्छा बनता है दही। और ये मिट्टी की हांडी हमने एक दफ़ा खाना बाहर से ऑर्डर किया था, तो उसमें चिकन वाइट हांडी उन लोगों ने भेजी थी, तो उसको धो के मैंने रख लिया था। बच्चों के लिए दो प्याली दही बड़े आराम से इसमें लग जाता है, अगर ज़्यादा लगाना हो तो मैं किसी और बर्तन में लगा लेती हूँ। तो बस नाश्ता करने के बाद मैंने सब्ज़ी मंगवा ली, और सब्ज़ी में मैं क्या बना रही हूँ, आज आलू गोभी बनाऊँगी, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है आलू गोभी। बच्चे उस्मान इतने शौक से नहीं खाते, एक टाइम बस खा लेते हैं थोड़ी सी, उसके बाद वो बिल्कुल नहीं खाते, उस्मान तो बिल्कुल नहीं खाते बच्चों को, फिर भी मैं गोभी वाला पराठा बना के खिला देती हूँ। और मैंने साथ फ्रूट मंगवाए थे, और फ्रूट भी मैंने टोकरियों में निकाल दिए हैं, अलग अलग कर दिए हैं, और केले और सेब हैं, सेब को धो के मैंने टोकरी में रख दिया है। और साथ मैंने अंगूर भी मंगवाए थे, लेकिन वो फ़िलहाल नहीं मिले, उस्मान केले और सेब ही लेकर आए हैं, अंगूर शाम को लेकर आएंगे। तो फिर बस बच्चे जो थे सेब काट के तो ऊपर ले गए हैं, साथ टीवी देख लेंगे थोड़ी देर, और मैं क्या कर रही हूँ साथ साथ खाना बना रही हूँ। और मैं भी एक एप्पल खा लूँगी अब, क्योंकि वैसे तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलता, और मुझे एप्पल इतना पसंद भी नहीं है, ये कि मैं खाना बनाते बनाते फिर ये के साथ साथ खा लूँगी। और खाना बना लिया, खाना खा भी लिया, बर्तन भी धुल गए, और बर्तन धोने के बाद सारी बोतलों में मैंने पानी भर लिया है, ये बहुत ज़रूरी काम है, डेली का दिन में दो दफ़ा करना पड़ता है, सारी बोतलों में पानी भरना पड़ता है, और फ्रिज में रख दूँगी। और ये वाला एक कप टूट गया था मुझसे गिर के, और मेरे हद तक पता नहीं मोहरिया ने, मेरे को अक्सर ही बर्तन टूटते रहते हैं, और बर्तन तो टूटते ही रहते हैं, मुझसे चीज़ें भी अक्सर गिरती रहती हैं, और ये हमेशा नहीं होता, कभी कभी होता है, लेकिन मुझसे ज़्यादा ही होता है। तो बस फिर मैंने क्या किया था, सारे घर के काम करने के बाद शाम हो गई और हमने चाय वगैरह पी ली, और चाय पीने के बाद रात को बच्चों ने नहीं खानी थी गोभी और ना उस्मान ने खानी थी, तो फिर हमने बाहर से ऑर्डर कर लिया, और ऑर्डर में हमने चिकन बर्गर मंगवाया है, और दो चिकन बर्गर मंगवा लिए थे हमने बच्चों के लिए, और एक जिंगर बर्गर मंगवाया था, और पिज़्ज़ा मंगवाया था, और चिकन ब्रोस्ट मंगवाया था, साथ में फ्राइज़ थी और कोक थी। तो ये सारी चीज़ें हमने मंगवाई थी, और बहुत मज़े की मुझे चीज़ें इनकी लगी हैं सारी। और हुआ क्या था, आज हो सकता है कि हम लोग गोभी ही खा लेते, लेकिन हुआ ये था कि वो ना शाम के टाइम ना वो अपना कागज़ नहीं सुट के जाते जो दरवाज़ों गेटों से लोगों के, वो सुट गए सी, तो बस बच्चों ने देख लिया, तो बच्चे कहते हुन इतों बर्गर मंगवा लेने हैं। तो फिर उस्मान का भी दिल करने लग गया, तो फिर हमने बाहर से चीज़ें मंगवा ली ये सारी, और फिर हमने रात को तकरीबन 9:30 बजे ये सारी चीज़ें मंगवाई थी, और बहुत जल्दी वो दे भी गया था, और सारी चीज़ें गर्म भी थी और बहुत मज़े की थी, और वो हमने खा ली। और खाने के बाद, और अब खाने के बाद सारी चीज़ें मैं यहाँ से उठा दूँगी, और अल्लाह करे जल्दी जल्दी से मौसम चेंज हो जाए, सर्दियाँ अब आ जाएँ, गर्मियों से अब मैं थक गई हूँ बहुत ज़्यादा, और कमरे से बाहर निकलें, क्योंकि कमरे में एसी लगा होता है तो दिल करता है कि खाएं भी हम यहीं, बैठें भी यहीं, कोई काम करना है हम इधर ही करें, बच्चों को पढ़ाना है इधर ही बैठ के पढ़ाऊं, और वीडियो एडिट करनी है इधर ही बैठूं, चाय पीनी है इधर ही, खाना खाना है इधर ही। अल्लाह करे बस जल्दी जल्दी मौसम ठीक हो जाए, ठंड आ जाए, अब बस थक गई हूँ मैं तो, गर्मियों से थक गई हूँ, बहुत लंबी गर्मियाँ हो गई हैं। तो बस यहाँ पर फिर उस्मान ना अंगूर भी ले आए थे, तो अंगूर भी मैंने धो के रख दिए हैं, और इनका सारा पानी निचड़ जाएगा, तो फिर मैं इनको फ्रिज में रखूँगी। और एप्पल हमने क्योंकि दोपहर को खा लिए थे माशाल्लाह से काफ़ी, और उस्मान भी आए थे तो उनको भी मैंने काट के दे दिए थे, और अब एप्पल को और बनाना को मैंने एक टोकरी में कर दिया, और जो बर्गर बच गया था आधा तो मैंने इसको फ्रिज में रख दिया, सुबह खाया जाएगा। और जब भी मुझसे कोई चीज़ टूट जाती है या गिर जाती है, कोई काम ख़राब हो जाता है, तो मुझे अब्बू याद आ जाते हैं, क्योंकि मेरे अब्बू हमें शादी से पहले कभी नहीं डांटते थे हमसे, कोई काम ख़राब हो जाता था, कोई चीज़ टूट जाती थी, दूध उबल जाता था या कुछ भी होता था, तो अब्बू ने कभी हमें नहीं डांटा था, हमें अम्मी डांटती होती थी कि काम ख़राब कर दिया, लेकिन अब्बू ने अम्मी को बल्कि कहना कि ना डांटा करो, कुछ नहीं होता, चीज़ ही है ना वो गिर गई या टूट गई है या ख़राब हो गई है, तो औलाद को कुछ ना कहा करो। हमारे अब्बू ने हमसे बहुत ज़्यादा प्यार किया, उनके लिए इस दुनिया में सबसे ज़्यादा जो कीमती चीज़ थी वो सिर्फ औलाद थी, और उन्होंने अपनी औलाद से ज़्यादा कभी किसी चीज़ को तरजीह नहीं दी, ना दौलत, ना पैसा, ना जायदाद, किसी भी चीज़ को, उनके लिए हर चीज़ उनकी औलाद थी। और बस जब मुझसे भी कोई चीज़ इस तरह की ख़राब हो जाती है तो मुझे अब्बू याद आ जाते हैं,
और क्योंकि मुझे हम सबको अब्बू ने बहुत ज़्यादा प्यार किया है, बहुत ज़्यादा ख्याल रखा है। हर बाप अपनी औलाद का ख्याल रखता है, लेकिन हमारे अब्बू कुछ स्पेशल ही थे। उन्होंने हमेशा हमें बहुत ज़्यादा केयर की है, बहुत पैम्पर किया है। तो ये है कि इधर भी शादी के बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझसे कोई चीज़ टूट जाए। मुझे उस्मान ने कभी कुछ नहीं कहा, और उस्मान भी बिल्कुल सेम अब्बू के जैसे हैं। मुझसे कितना बड़ा भी नुकसान हो जाए, आज तक उस्मान ने मुझे कुछ भी नहीं कहा। जितना मर्जी नुकसान हो जाए, उस्मान भी चीज़ों की बिल्कुल, मतलब चीज़ों को तरजीह नहीं देते इंसान पे। बिल्कुल मुझे कभी कुछ नहीं कहा, मुझसे जितना मर्ज़ी नुकसान हो, जितने मर्ज़ी मोबाइल टूट जाएँ, जो मर्ज़ी हो जाए, मुझे उस्मान ने कभी कुछ नहीं कहा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला बुरी नज़र से बचाए, हर एक को अपनी हिफ्ज़ ईमान में रखे। और बस ये देखे, मेरा दराज सारा साफ़ हो गया है, और ये दराज हर दूसरे चौथे दिन भर जाता है। मैं इसको खाली करती हूँ और ये फिर भर जाता है, क्योंकि मैं, बच्चे, उस्मान कोई भी चीज़ पकड़ते हैं तो इधर रख देते हैं। और इसमें क्योंकि मैं सिर्फ दो तीन चीज़ें ही रखती हूँ, इसको खाली रखती हूँ, तो क्योंकि इसमें फिर भर जाना होता है तो इसको फिर मैं साफ़ करती हूँ। तो बस जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो मैं इसमें रखूँगी, बाकी सारी चीज़ें मैं इसमें से निकाल दूँगी। तो बस दराज मेरा साफ़ हो गया है, बाकी चीज़ें मैं उठा दूँगी। मेरा छोटा सा व्लॉग था, और ये उस तरफ मुझे सही नहीं लग रही थी तो मैंने दोबारा इस तरफ कर दिया। और बस आप लोग मुझे ज़रूर दुआओं में याद रखा करें, और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखा करें। और मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। आज तो मेरा भी उन्होंने मेहमाना की तरह हाल हो गया, जिहड़े जाते जाते भी कमरे 10-15 मिनट ला देंगे अल्लाह हाफिज़ बोलते बोलते, फिर गेट च भी 10-15 मिनट ला देंगे ने, तो फिर उस तो बाद जाते हैं। अज मैं भी यही किया, अल्लाह हाफिज़ कर दी नहीं तो ला दी है। बस हूँ व्लॉग खत्म हो लगा, आखिरी दफ़ा अल्लाह हाफिज़ जी।